दोस्तों आप देख रहे हैं वीनो टेक गुरु चैनल। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो को जो कि एग्जाम से रिलेटेड होती है वो आप तक पहुंच सके। और आज हमने बनाई है HSSC 2018 के पेपरों के लिए भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। चलो शुरू करते हैं ज्यादा टाइम न लगाते हुए। नंबर वन क्वेश्चन, पृथ्वी के निकटतम ग्रह का नाम क्या है? इस प्रश्न को देखने से हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह बुध ही होगा, लेकिन पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? पहले प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा था लेकिन उसको अब खत्म कर दिया है, अब उसको अक्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो को ग्रह का दर्जा कब समाप्त किया? प्लूटो का ग्रह का दर्जा 24 अगस्त 2009 को समाप्त किया। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं? सिर्फ सौरमंडल के दो ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, वो है अरुण और वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून। बाकी 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। कई बार पूछ लेते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को लंबवत किरणें पड़ती है सूर्य की और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने की गति सर्वाधिक कब होती है? पृथ्वी अपनी दूरी पर हमेशा एक समान गति से ही घूमती है। सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में सबसे लंबा दिवस कौन सा होता है? इसमें सौर दिवस लंबा दिवस होता है। और सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? सौर दिवस की अवधि 24 घंटे की होती है और नक्षत्र दिवस की अवधि होती है 23 घंटे 56 मिनट। अर्थात कितने समय का फर्क है? सिर्फ 4 मिनट का फर्क है। पृथ्वी से सितारों के बीच की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? प्रकाश वर्ष में। कई बार आता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की। तो इससे लगता है कि प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, लेकिन वास्तव में ये दूरी की इकाई होती है जो कि पृथ्वी और सितारों के बीच दूरी मापने की इकाई है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पश्चिम घाट पर पाए जाते हैं, अर्थात दो घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। उष्ण कटिबंधीय वन पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। कांटेदार वन भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? कांटेदार वन भारत में राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। किस राज्य की 90% से अधिक भूमि पर वन है? अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन में तक अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रतिशत के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा वन है और क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में वन है। मेहसाना नस्ल किसकी नस्ल है? मेहसाना नस्ल एक भैंस की नस्ल है। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं जो कि 2% है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HSSC की दृष्टि से। भारत में संसार का कितने प्रतिशत पशुधन है? भारत में संसार का 25% पशुधन है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पर है? जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में है। चावल की खेती के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है? चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी जो कि नदी द्वारा बहाकर लाई जाती है वो बहुत उपयुक्त होती है। गेहूं के लिए आदर्श तापमान क्या है? गेहूं के लिए आदर्श तापमान कौन सा है? 15 डिग्री से 20 डिग्री तक। ये उस क्वालिटी का तापमान है।
इसमें गेहूं की फसल अच्छी होती है, इससे ज्यादा होने पर और इससे कम होने पर फसल में नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। और धन्यवाद।